एक अंग्रेजी कवि ने की एक पंक्ति है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस हाउ टू कीप आवर लाइव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक थे जिनके कदमों के निशान मिटने के बजाय और गहरे होते जाएंगे जब तक दुनिया में जरा सी भी इंसानियत बाकी है। और मुझ जैसे इंसान को फख्र होता है इस बात पे कि मैं उसी युग में जिया जब नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोग प्रेरणा का स्रोत बने मेरे लिए। और सिर्फ नरेंद्र दाभोलकर साहब ही नहीं, पानसारे साहब, कलबुर्गी साहब, गौरी लंकेश और वो अनगिनत अध्यापक, एक्टिविस्ट, अध्यापक बुद्धिजीवी जो कब से जेल में हैं और पता नहीं कब तक जेल में रहेंगे, जिनका गुनाह है सिर्फ सच बोलना। मुझे लगता है और ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं हो रहा अंध विश्वास का राज, पड़ोसी मुल्क में देख लें आप, सलमान तासीर साहब, सबीन महमूद जो दोनों अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको किस बेरहमी से कत्ल किया गया। ईरान में जो हजारों बच्चियां इस दखियानुसी हिजाब के कानून के खिलाफ जो अपनी जान खतरे में डाल के आंदोलन चला रही हैं ऐसे लोगों से, और मुझ जैसे लोग अपने आप को अपना सौभाग्य मानते हैं इस बात का कि हमने उसी वातावरण में सांस ली जिसमें इन लोगों ने, इन आइडियलिस्टिक लोगों ने, जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए। मैं डॉक्टर दाभोलकर से वाकिफ नहीं था, ना उनके काम से जब वो जिंदा थे, उनकी मौत के बाद उनके बारे में मालूम हुआ थोड़ा बहुत, और फिर उनके बेटे हामिद के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका भी मुझे मिला तो जानकारी थोड़ी सी बढ़ी। और हैरत हुई मुझे सुनकर कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी आस्था को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझे। और मुझे याद आया अपना बचपन, जब एक मौलवी साहब हमें कुरान पढ़ाने आया करते थे और वो इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करते थे पूरे यकीन के साथ कि ज़मीन चपटी है और सूरज जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है और ज़मीन घूमती बिल्कुल नहीं है, अगर घूमती तो तुम गिर ना जाते हैं, और जब 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 मरोगे तो जन्नत में तुम्हें 75 हूरें मिलेंगी, इत्यादि नॉनसेंस किस्म की बातें। और मैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का था, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे उनकी बातें सुनकर, जिस यकीन से वो ये बातें कहते थे उसी यकीन से डॉक्टर कलबुर्गी, डॉक्टर दाभोलकर, पानसारी साहब, सबीना महमूद, गौरी लंकेश ने भी ये बातें अपने अकीदे की कही हैं। और जरूरी है कि हम में वही विश्वास पैदा हो इस अंधविश्वास के अंधेरे से जूझने के लिए जो उन बेवकूफ अनपढ़ मौलानाओं में था जो कुरान का गलत अनुवाद किया करते थे। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं दाभोलकर साहब के बारे में ज़्यादा जानता था नहीं, और शुक्र अदा करता हूँ इस बात का कि जो लोग उनसे वाकिफ थे, जो उनके करीब थे, वो अपनी बातें कह सके। मैं ना सियासतदान हूँ, ना किसी पार्टी से मेरा कोई जुड़ाव है, मैं महज एक एक्टर हूँ, और एक्टर का काम होता है अपने जज्बात को लेखक के शब्दों के जरिए पेश करना। तो मैं भाषण देने के बजाय वही करूंगा जो एक एक्टर को करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, श्री हरिशंकर पारसाई जी की लिखी हुई। ये कहानी डॉक्टर दाभोलकर की जिंदगी से, जो बहुत ही वेरिड थी और हजारों काम उन्होंने अपनी जिंदगी में किए,
उससे कोई कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन अगर है तो उस संस्था से है और उस शासन से है जो इजाजत देती है कि उसके दो हरकारें ये बहादुरी का काम करें कि एक अकेले शांत निहत्थे इंसान को गोली मारकर उसे खत्म करें और फिर भाग लें और 10 साल गुजर जाएं कि वो खूनियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। उस शासन के खिलाफ ये पारसाई जी का एक व्यंग है जिसका उन्वान है, इसका शीर्षक है भेड़ और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। शीघ्र ही एक समिति बनी, शीघ्र ही विधान बन गया और शीघ्र ही एक पंचायत के निर्माण की घोषणा हो गई जिसमें वन के तमाम पशुओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हों जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाएं और शासन करें। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और अब आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं। भेड़ें निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास को भी फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि सब जिए और जीने दें। और इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनकी ही बहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बनाया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या, क्या हमें घास चरना पड़ेगी। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता और भेड़ियों की चिंता भी। एक दिन एक बूढ़े सियार ने, सियार जो भेड़ियों के आसपास घूमते रहते हैं और जो उनकी बची कुची हड्डियां चबाते रहते हैं उनके खाने की, एक बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से भेड़िए से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं। ये सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर बोल रहा था। खैर भेड़िए ने कहा, तुझे मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब चला। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारा है तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार जानते ही नहीं, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी तुम्हें। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया, उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो गया तो। भेड़िया चिरकर बोला, अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%, भला वे हमें काहे को चुनेंगे, कहीं जिंदगी अपने को मौत के हवाले करती है। मगर हाँ, अगर ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक योजना बन जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 और सियारों को लेकर आया, उसमें से एक को उसने पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे में। भेड़िया ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, रंगे सियार, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक,
रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाता है, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलते हैं, मगर ख्याल रखना अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर रखना और देखना बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार ये क्या करेंगे, किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला बड़ा विद्वान विचारक कवि और लेखक है, ये नीला सियार नेता और पत्रकार है, और ये हरा धर्म गुरु है। ये तीनों सच्चे नहीं रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए चलिए, देर मत कीजिए। और वो चले माफ कीजिए, आगे आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बड़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए आगे बढ़े। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली, भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोले, अरे ये भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, उन्होंने अपना जीवन मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है, अब वो किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को का रोम तक नहीं छुएंगे, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है, उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है तो झुका ही रहा है। अब तो वो सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें, बोलो सब मिलकर संत भेड़िए जी की जय। भेड़िया जी अभी उसी तरह गर्दन नीचे झुकाए विनय की मूर्ति बने बैठा था, बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेता और टपकती राल को निगल जाता। अब बूढ़ा सियार फिर बोला, इन तीन रंगे प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीला विचारक कवि है, नीले नेता और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। आइए अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी आइए। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा तो कुछ आता ही नहीं था, तो हुआ हुआ चिल्ला दिया, शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख से इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला के, कुछ समझे आप लोग? कैसे समझेंगे, अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो फिर वो कवि काहे का, उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। ये कह रहे हैं, जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे पृथ्वी पर भेड़िया, हे भेड़िया जी, हे महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं,
प्रातःकाल संध्या आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। ये भी शायद किसी और की ही कविता थी। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, वो भी तुम्हारा भाई है, आप एक ही जाति के तो हो, तुम भेड़ वो भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वो भेड़ों को खाता है। यदि तुम पर कोई अन्याय करे तो ये भेड़िया डटकर लड़ेगा तुम्हारे हक के लिए। इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो, बोलो सब भेड़िये महाराज की जय। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया, जो यहां त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा वो वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा, जो यहां वोट देगा उसे वहां वोट मिलेगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो, वे दानी है, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये एक एक भेड़िए की कथा ही नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून ये बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य का ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। शुक्रिया।